प्रदेश के अमरोहा जनपद के तिगरी गंगा धाम में गंगा यात्रा कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें केंद्रीय राज्य मंत्री जनरल वीके सिंह, प्रभारी मंत्री विजय कश्यप और कैबिनेट मंत्री चेतन चौहान ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। इस दौरान कैबिनेट मंत्री चेतन चौहान ने विपक्षी दलों के साथ साथ कानून तोड़ने वालों को सख्त चेतावनी जाहिर करते हुए कार्यवाही की चेतावनी दी है। बता दें कि अमरोहा के तिगरी गंगा धाम में उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा को शामिल होना था, लेकिन किसी कारण वह तिगरी गंगा धाम नहीं आ सके, जिसके बाद जनरल वीके सिंह, कैबिनेट मंत्री चेतन चौहान ने जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री चेतन चौहान ने नागरिकता संशोधन कानून के चौतरफा हो रहे विरोध के सवालों पर कहा कि जो लोग भी कानून का विरोध कर रहे हैं वह गलत कर रहे हैं। यह संवैधानिक कानून है जो राज्यसभा और लोकसभा दोनों में पास हुआ है और यह कभी किसी कीमत पर वापस नहीं होगा। उन्होंने कहा कि कुछ लोग नेता बनने के लिए ऐसे काम कर रहे हैं। कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल के बारे में उन्होंने कहा कि जो लोग ऐसे लोगों की वकालत कर रहे हैं यह गलत बात है, उनकी जांच चल रही है। अमरोहा से संवाददाता मोहम्मद आसिफ की रिपोर्ट। यह पंचायती राज विभाग की तरफ से था। आदरणीय भैया पिछाड़ी बात कुछ आए आप लोगों ने गंगा के किनारे कोई नर्सरी चयनित की आप लोगों ने थोड़ा मोबाइल पीछे JBD Banquets lie hai. Incredible Marriage Palace, Rajgharana and the finest banquet hall, Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।